हेलो फ्रेंड्स, ये टेरेरियम बनाया मैंने और ये देखें, बिल्कुल इसको मैंने पूरी कोशिश की है इसको नेचुरल लुक देने की। इसमें रियल प्लांट्स हैं और ये घर प्लेस किया है और आपको अभी मैं बताता हूँ ये मैंने कैसे बनाया है। लेट्स सी, देखें वीडियो को गौर से देखें। ये टेरेरियम है, टेरेरियम जार इसको बोलते हैं और ये आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा ये सब चीज़ें मुझे कहाँ कहाँ से मिली हैं। और ये बुरा लकड़ी का बुरा उसको मैंने पेंट किया, ठीक है, लाइट ग्रीन पेंट किया हुआ है लकड़ी के बूरे को, ठीक है। ये सॉइल यूज़ की है मैंने इसके अंदर, सॉइल मीडिया। और इसके बाद ये कुछ मैंने पेबल यूज़ किए हैं, इससे मैं बेस बनाऊंगा इसकी। और कुछ नेचुरल प्लांट्स हैं, ये रियल प्लांट्स हैं, और पिमिक रॉक्स हैं। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज़ करूँगा। ये छोटा सा घर है जो मैं इस टेरेरियम में लगाऊँगा। और ये सिरेमिक है, पहले मैं इसको प्लेस कर लूँगा, ठीक है, फिक्स कर लूँगा इसको। और इसकी इसको फिक्स करने के बाद जो इसकी बेस बनाऊँगा वो पेबल्स की बनी होगी, छोटी छोटी, जिसको बजरी बोलते हैं, बजरी की बनी होगी। बजरी मैं नीचे प्लेस कर लूँगा, ठीक है, और इससे इसकी बेस बन जाएगी। और ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं टेरेरियम के लिए, टेरेरियम जार कहाँ से मिलेगा, और इसका ये जो हाउस वगैरह, ये सिरेमिक हाउस इस तरह, ये कहाँ से मिलेंगे। सिरेमिक की जगह प्लास्टिक हाउस भी बड़े खूबसूरत हैं, उसकी भी सोर्सेज मुझे पता है, मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से मुझे मिली हैं, ठीक है। और इसको मैं फिक्स करने के बाद उसके ऊपर सॉइल की एक लेयर बनाऊँगा। पहली लेयर रॉक्स की है, बजरी की यानी, और दूसरी लेयर जो होगी वो इसकी सॉइल की होगी। ये अब मैं सॉइल इसमें प्लेस कर रहा हूँ, सॉइल मीडिया। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये जिसको कहते हैं ना अखबार जला के इसकी जो राख होती है वो भी यूज़ की है। अब इसमें इसको मैंने पानी से गीला करने कर लिया, अच्छे तरीके से स्प्रे कर लिया, और अब इसमें से ही मैं पौधे जो हूँ वो लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने दो, ये छोटे वाले इनके मुझे नाम नहीं पता, और तीसरा जो है वो नीडल कैक्टस है, वो अक्सर मैं यूज़ करता हूँ। नीडल कैक्टस जो है वो ज़रा हार्डी प्लांट है। तीसरा और ये छोटा वाला जो है अभी मैं लगाऊंगा, ये नीडल कैक्टस है, ठीक है, इसको लगाऊंगा। यानी टोटल तीन नेचुरल प्लांट्स इसमें मैंने लगा दिए। टेरेरियम बनाना बहुत इजी है, और आपने अगर नेचर को समेट के रखना है, यानी आपने साइड टेबल्स पे, अपने घर के लॉन्च में, किसी जगह पे भी जहाँ पे थोड़ी सी रोशनी अच्छी आती हो, तो आप नेचर के अंदर मतलब एक खुशी मिलती है नेचुरली इसको बना के ना। ये देखें, मैं लकड़ी का बुरा जो मैंने पेंट किया हुआ वो इसको मैं एज अ ग्रास यूज़ करूँगा, ऐसा लगेगा कि जैसे घास है, ठीक है। और इसी तरह यानी आप अगर आपके पास टेरेरियम जार नहीं है तो फिश जार यूज़ कर सकते हैं आप इसको बनाने के लिए। लॉग है लकड़ी का, ठीक है, ये शो करेगा कि जैसे लकड़ी टूटी हुई पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को हमें फोकस करना होता है। ये पेंट ब्रश से मैं इसकी साफ साफ सफाई करी जा रहा हूँ, जो भी लकड़ी के पूरे इधर उधर साथ। अब ये इसके लकड़ी के मैं स्टेप्स बनाऊँगा घर को जा रहे हैं, ये ऐसा इफेक्ट देगा, 3D इफेक्ट देगा एक किस्म का, कि जैसे ऊपर को जा रहे होते हैं, क्योंकि मैं ये देखें ऐसे शो हो रहा है कि जैसे ये स्टेप्स ऊपर को जा रहे हैं घर की तरफ को, ठीक है। हालांकि इतना ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है जितना नज़र आ रहा है, और साथ साथ सफाई करूँगा इसकी। और ये सारा जो लकड़ी का पूरा इसको मैंने वेट कर रही स्प्रे किया इसके ऊपर पानी का, ताकि जो है ना ये चिपक जाए, अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, लकड़ी का पूरा जो है वो गीला हो जाए। और जब इसको पानी देने के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि इसको पानी किस तरह दिया करना, वो इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दिया करेंगे हम इसमें पानी, ठीक है। और वो भी यानी कि हमने फ्रीक्वेंटली नहीं देना, आप वंस इन अ वीक काफ़ी है, बहुत ज़्यादा वंस, क्योंकि इसमें जो है वो कोई ड्रेन होल भी नहीं है इसमें नीचे, तो इस वजह से एक दफ़ा वीक में या 10 दिनों में एक दफ़ा काफ़ी होगा। ये देखें कितना खूबसूरत है, बिल्कुल नेचुरल लुक दे रहा है, ठीक है। और नेचुरल पौधे हैं इसके अंदर लगे हुए, सबसे बड़ी बात ये। तो नेचर को आप समेट कर रखें, अपने पास रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ऑन, बेल पर क्लिक करें। थैंक यू।